हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 सरल रेखाएं की जो प्रश्नावली 10.3 है उसे हम सॉल्व करेंगे। इसको करने से पहले कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन ही आते हैं तो वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे ना आपका कॉन्सेप्ट उतना ही निखरता जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे रेखा का व्यापक समीकरण। अगर आपके पास कोई रेखा है, लाइन है, उसका व्यापक समीकरण क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है, जहां पर ये जो ए और बी है ना एक साथ जीरो नहीं हो सकते। ठीक है, या तो कभी कभी ए जीरो हो जाएगा या बी जीरो हो जाएगा, लेकिन ए और बी दोनों एक साथ जीरो कभी नहीं होंगे। ठीक है, अब आ जाओ, ये जो आपका रेखा है ना इसके कई सारे फॉर्म है। जैसे पहला आ जाता है ढाल अंताखंड रूप, जिसे हम बोलते हैं वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। एम होता है रेखा की ढाल। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, इसका दूसरा रूप आ जाता है अंताखंड रूप। ठीक है, अंताखंड रूप ये आपका क्या होता है, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है ना। तो इस देखो पहले हमें क्या करना है, इस सी को उधर ले गए, प्लस का सी इधर के माइनस का सी हो गया, फिर दोनों तरफ हमने माइनस सी से भाग दे दिया, और ये ऊपर जो गुड़े में था उसको प्रॉपर बट्टे में ले गया है। ठीक है, तो ये एक्स का अंताखंड है, ये वाई का अंताखंड है। ठीक है, जनरली इस फॉर्म में होता है ये ए की जगह पर ये है, और देखो ये बी की जगह पर ये है। ठीक, उसके बाद आ जाता है लंब रूप, नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म, इस समीकरण को हम इस रूप में लिखते हैं, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। पी आपकी होती है लंबिक दूरी। ठीक है, ये कैसे किया जाता है अभी आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन जब हम करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखो बेटा इसमें उदाहरण है, उदाहरण खुद से कर लेना। कोण निकालने वाला आपने पहले ही सीख रखा होगा। अगर आपके पास दो रेखा दे रखी है तो कोण कैसे निकालते हैं, टेन थीटा बराबर है ना, पिछले वाले प्रश्नावली में ही सिखा रखा है। दोनों रेखाओं की हम ढाल निकालेंगे और ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये तो मैं पहले से ही बताएं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है बेटा एक बिंदु की रेखा से दूरी। देखो ये एक रेखा है और ये एक बिंदु है, इस बिंदु से इस रेखा की दूरी क्या है, कैसे निकालेंगे? देखो बेटा सिंपल है, ये वाला फॉर्मूला होता है। जैसे आपके पास ये रेखा है, ठीक है, और ये बिंदु है, तो क्या करना है, ये जो बिंदु है ना x के जगह पर वो बिंदु आ जाएगा, x के जगह पर वो बिंदु x1, y के जगह पर वो बिंदु y1। ठीक है, बट्टे करके अंडर रूट में x का जो गुणज होगा ना उसका वर्ग, y का जो गुणज होगा उसका वर्ग, और उसको सॉल्व कर लोगे आपको का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाएगा दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। ये आपकी पहली समांतर रेखा है या आपकी दूसरी समांतर रेखा है, इसमें एक चीज देखो, यहाँ पे भी एम एक्स होगा, यहाँ पे भी एम एक्स होगा, इन दोनों की ढाल सेम होगी। अगर ढाल सेम नहीं होगी तो वो समांतर ही नहीं होगा। तो इनकी अगर दूरी निकालनी, जैसे ये चित्र बना रखा है, ये एक रेखा है दूसरी रेखा है, ये आपस में समांतर है, उनके बीच की आपको दूरी निकालनी है। इसका सूत्र होता है, देखो यहाँ से आपको सी1 मिलेगा, यहाँ से आपको सी2 मिलेगा, तो d बराबर होते हैं c1 माइनस c2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते, आप कहोगे सर ax प्लस bx कहाँ से, ये आपको दो रेखा जो दे रखा होगा ना इस टाइप में दे रखे होंगे, ax और by, ax और by के सेम होंगे दोनों में, यहाँ से आता है। क्वेश्चन जब करेंगे सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 10.3। अगर प्रश्नावली सारे कर ले रहे हो ना, ये उदाहरण जो है पहले से सॉल्व है वो तो आप कर ही लोगे, और उदाहरण सारे के सारे बहुत ही आसान है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 10.3 के क्वेश्चंस। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित समीकरणों को ढाल अंताखंड रूप, ध्यान से पढ़ना, ढाल अंताखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और उनके ढाल तथा वाई अंताखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जो टॉपिक्स आपने पढ़े थे ना उस पर आधारित प्रश्न आ रहे हैं एक करके। तो यह है प्रश्नावली 10.3। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें प्लीज। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है बेटा, दिया है
एक्स प्लस 7y बराबर 0। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, ढाल अंताखंड रूप। ढाल अंताखंड रूप में ना इस रूप में होता है, y बराबर mx प्लस c, इस रूप में होता है। ठीक है, इस रूप में होता है, तो इसको इस रूप में बदलो तो ये 7y प्लस का एक्स इधर के माइनस का हो जाएगा, ये 7 गुणे में इधर के बट्टे में लग जाएगा और इधर कुछ c नहीं, 0। इस रूप में मैंने बदल दिया। ठीक है, ये ढाल अंताखंड रूप है, इससे इसके जब तुलना करेंगे समीकरण एक तथा दो से तुलना करोगे तो m के स्थान पर क्या आ जाएगा, माइनस के 1/7, m के स्थान पर आ जाएगा माइनस 1/7 तथा और c के स्थान पर क्या आ जाएगा आपको, 0। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, इसलिए जो रेखा की ढाल होगी, m क्या होती है ढाल, रेखा की ढाल, वो अब तो आपकी आ जाएगी माइनस के 1/7। और दूसरा जो आपका पूछा गया वही अंताखंड, ठीक है ना, वही अंताखंड, वो क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक, कहीं पे कोई डाउट हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड वाला पार्ट दे रखा है 6x प्लस के 3y माइनस के 5 बराबर 0। जैसे अभी क्या है, बिल्कुल वैसे करना है। क्या करना है, 3y को इधर रखा, प्लस का 6x माइनस का हो जाएगा, माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, 3 है इधर के बट्टे में आ जाएगा दोनों के। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा आपका 3 × -2 और ये 5/3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तुलना कर देनी है कि रेखा इसकी जो तुलना है वो हम कर देंगे y बराबर mx प्लस c से करने पर। ठीक है, जैसे इससे तुलना करेंगे तो हमारे पास m के स्थान पर कितना आ जाएगा, माइनस का 2, ये हो जाएगी रेखा की ढाल, और जो c आपको मिल जाएगा वो मिल जाएगा 5/3। ये क्या है बेटा, रेखा की ढाल, और ये हमारा क्या है, y अंताखंड। आराम से हो गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, इसके थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में दे रखा है ओनली y इक्वल टू 0, ये आपको दिए हुए हैं। थोड़ा अब आपको लग रहा होगा थोड़ा सा अजीब है ना, कि भैया आप क्या करें। तो देखो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना अंताखंड रूप में, y बराबर mx 0 × x + 0, ये हमारी रेखा है, इसकी तुलना करनी है। इसकी तुलना y बराबर mx प्लस c से करने पर। ठीक है, इससे जब हम कर देंगे तुलना तो m के स्थान पर 0 और c के स्थान पर भी यहाँ क्या है, 0। तो रेखा की ढाल क्या हो जाएगी, 0। और ये हमारे क्या है, y अंताखंड। आंसर, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। कह रहे, निम्नलिखित समीकरणों को अंताखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और अक्षों पर इनके द्वारा काटे गए अंताखंड ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार ये तो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अंताखंड रूप में रूपांतरित करना है। अंताखंड रूप जो होता है, सिंपल बोला गया, चूंकि अंताखंड रूप क्या होता है, एक्स अपोन ए प्लस वाई अपोन बी बराबर 1। ठीक है,
ये वाला पॉइंट आपका होता है ए कोमा जीरो, ये वाला पॉइंट आपका होता है जीरो कोमा बी। ये एक्स पर काटा गया अंतःखंड है, ये वाई पर काटा गया अंतःखंड है, और ये आपकी रेखा है, ठीक है, जो कि आपको निकालना है इन क्वेश्चनों में। सो क्वेश्चन नंबर टू दिया है पार्ट वन में, क्या दे रखा है पार्ट वन, थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस के बारह बराबर जीरो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, माइनस के बारह उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के बारह। अब मुझे यहाँ एक चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, बारह से भाग देने पर दोनों तरफ, एक तरफ नहीं, तीन एक कम तीन, तीन चौके बारह, दो छंग बारह, बारह एक कम बारह, तो ये आपका हो जाएगा x बट्टे में चार, y के बट्टे में छः, और ये एक, ठीक है। इसकी तुलना हम कर देंगे x अपोन ए प्लस वाई अपोन वी बराबर वन से करने पर, ठीक। तो ए के स्थान पर हमें मिल जाएगा चार, बी के स्थान पर मिल जाएगा छः, ठीक है। तो अंतःखंड रूप तो हमें मिल गया है, यह है अंतःखंड रूप, है ना। अतः अंतःखंड रूप वो है एक्स के बट्टे में चार, वाई के बट्टे में छः बराबर एक, आंसर यह अंतःखंड रूप है। और अगर एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष से काटा गया अंतःखंड, काटा गया अंतःखंड कितना है चार, और वाई अक्ष अंतःखंड कितना काटा गया छः, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक, आराम से हो गया। अब ऐसे ही सारे पार्ट्स होंगे। नंबर टू, ये है क्वेश्चन नंबर टू, इसमें ऑलरेडी सिक्स इस तरफ है, तो हमें क्या करना है, सिक्स से भाग देना है, छः से भाग देने पर, अरे यार ये छः, तो ये हो जाएगा, देखो बेटा दो दून चार, दो तीन छः, तीन एक कम तीन, तीन दून छः, तो इसको ढंग से लिखो, ये ऊपर है नीचे, मेरे से ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इसे प्लस का बनाना होता है, ये माइनस का टू हो जाएगा, ये वन, ठीक है। की तुलना कर दोगे तो ए के स्थान पर कितना आ जाएगा, तीन बट्टे दो, और बी के स्थान पर आ जाएगा माइनस के दो, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्स अक्ष पे ये काटा गया है और वाई अक्ष पे ये काटा गया है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। थर्ड वाले पे आ जाते हैं, ठीक, ये हमारा तीसरा, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब इसे हाँ एक बनाना है तो माइनस दो से भाग देना पड़ेगा, दे दो भाग,
क्या हो जाएगा देखिए, ये तो देखिए एक्स रखना होता है ना, तो इसको माइनस के दो और ये ज़ीरो है तो बट्टे में आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ये वाई और ये भी आ जाएगा ऊपर गुणे में है जो ये बट्टे में आ जाएगा और ये वन हो गया। किसी के बट्टे में ज़ीरो हो तो वो क्या होता है, इन्फिनिटी। किसी के बट्टे में ज़ीरो हो तो वह परिभाषित होता है, इन्फिनिटी बोलते हैं। और ये प्लस का वन है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, अंताखंड रूप। ठीक हो गया, ये हमारा अंताखंड रूप है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो निकाल लेते हैं। क्या पूछा गया है यहाँ पे देखिए, इस एक स्थान पर है इन्फिनिटी और बी के स्थान पर माइनस के टू बाई थ्री। ठीक, तो एक्स अक्ष पर काटा गया अंताखंड, वो कितना है, इन्फिनिटी। और वाई अक्ष पर काटा गया अंताखंड, माइनस के टू बाई थ्री। आंसर यही आपसे पूछा गया था, आराम से हो गया, ठीक है। कहीं पे डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ये क्वेश्चन हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या बोला जा रहा है, निम्न समीकरणों को लंब रूप में रूपांतरित कीजिए, ठीक है, और फिर उनकी मूल बिंदु से लांबिक दूरी और लंब तथा एक्स तथा एक धन धन एक्स एक्स के बीच का कोण भी हमें ज्ञात करना है। धन बोल रखा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए करते हैं, पहले वाले पार्ट में आ जाते हैं तीसरे के। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है। क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, हमें दे रखा है x अंडर रूट 3y प्लस 8 बराबर 0, ठीक है, ये दे रखा है। ये जो समीकरण हमें दे रखा है ये किस रूप में, ये इस रूप में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस रूप में दे रखा है, ठीक है, ये हमें इस रूप में दे रखा है। अब क्या है ना, इसका जो लंब रूप होता है, ठीक है, लंब रूप क्या होता है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी, ये हमारा लंब रूप होता है। इस रूप में हमें इसको चेंज करना है, इस रूप में इसको हमें क्या करना है, बदलना है, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना होगा, देखो बेटा, उसके लिए आप इसे समीकरण नंबर एक मान लो। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग देना होता है, ठीक है, इस समीकरण में दोनों। ए क्या है हमारे पास, एक्स का गुणांक, बी क्या है वाई का गुणांक, इसलिए एक्स का गुणज क्या है यहाँ पर, एक, एक का वर्ग, वाई का गुणज क्या है, अंडर रूट तीन, चिन्ह का भी ध्यान रखना है, वर्ग, एक का वर्ग एक, अंडर रूट तीन का वर्ग करेंगे सिर्फ तीन, ठीक है, तो ये आ गया चार, चार का वर्गमूल दो। अब हमें क्या करना है, ये दो आया है ना, दो से पूरे में भाग देना है, समीकरण एक में दो से भाग देने पर, ये प्रोसीजर है, ठीक है, समीकरण एक में दो से भाग देने पर, भाग दे दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा, जैसे ही हम दो से भाग देंगे तो ये हो जाएगा एक्स था, एक्स के बट्टे में दो आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का तीन एक्स था ना, तीन वाई था, वाई बट्टे में दो आ जाएगा, और इधर क्या था बेटा, इधर हमारा क्या था, प्लस के आठ, यहाँ पर आठ था ना,
बट्टे में 2 भाग दे दिया, प्लस का 8 था, तो ये हो जाएगा एक्स के बट्टे में 2 माइनस 3 बट्टे 2 वाई और ये प्लस के 4 बराबर 0। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। सो देखिए इसको ढंग से लिख देंगे, एक्स बट्टे 2 माइनस के 3 बट्टे 2 वाई और ये प्लस के 4 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 4। इसको पॉजिटिव का बनाना होता है दूरी, तो नेगेटिव से इधर गुणा करना पड़ेगा, तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, ये जो नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, इसे प्लस का बनाना, दूरी हमें ना प्लस में रखनी होती है। तो ये बन गया इस रूप में, ठीक। ये किस रूप में, इसकी जो तुलना है, इसको समीकरण नंबर 2 मानो, इसकी तुलना ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर पी से करने पर, ठीक है ना, इस रूप में बन जाता है। इससे हमें तुलना करना है, तो देखो बेटा कॉस थीटा के स्थान पर क्या है, एक्स का गुणज जो होगा माइनस के 1/2, ये कॉस थीटा है और √3 था क्या, हाँ यार √3 था, √ छूट रहा था, ठीक है बाकी सब सही है। और साइन थीटा क्या है हमारे पास, √3/2, ये हमारे पास है, ठीक है, ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का है और पी हमारे पास क्वेश्चन में कितना है, 4 है। ओके अब हमें क्या निकालना है, ये सब तो चलो हो गया, अब हमें कोण निकालना है। क्या क्या बोला गया था, देखो दूरी निकालने के लिए बोला गया था, सबसे पहले देखो निम्नलिखित समीकरण लंब रूप रूपांतरित कीजिए, रूपांतरित कर दिया, उसकी मूल बिंदु से लंबिक दूरियां, लंबिक दूरी पी बराबर 4, ये आ गया आंसर, ठीक है। तथा धन एक्स एक्स के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, अब हमें कोण ज्ञात करना है, ठीक है, थीटा ज्ञात करना, उसके लिए थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। लॉजिक देखो बेटा, आंसर अगर परफेक्ट चाहिए तो लॉजिक लगाना पड़ेगा। कॉस थीटा का मान माइनस में है, तो कॉस थीटा का मान माइनस कहाँ पर होता है, एक तो सेकंड में होता है, ठीक है, और कॉस थीटा का मान माइनस में कहाँ होता है, थर्ड में होता है, ठीक है। साइन थीटा का मान प्लस में है, प्लस में यहाँ होता है और यहाँ होता है, तो दो चीज़ कहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है, तो हमें द्वितीय चतुर्थांश को वरीयता देनी पड़ेगी जब कोण निकालोगे तो, ठीक है, ये हम समझ गए। अब देखो कोण निकालने का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या सा है, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, आंसर तुम्हारा कभी गलत नहीं होगा इस तरीके से, ये लॉजिक है निकालने का, ये लिख आप कुछ समझने के लिए, ये कॉपी में लिखने के लिए नहीं है, ठीक है, लिखोगे तो फिर अच्छा है लेकिन इस पर टाइम कंज्यूमिंग होता है। साइन की वैल्यू क्या है, √3/2, कॉस की वैल्यू क्या है, माइनस के 1/2, बहुत कम टीचर ऐसे समझाते हैं जैसे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ से आगे माइनस के √3, अब ये नेगेटिव आया है और 10 का मान सेकंड में नेगेटिव ही होता है, ठीक है, अब नेगेटिव आया है, अब आपको कोई भी मान अगर सेकंड में चाहिए तो पाई माइनस थीटा करते हैं, 10 कौन से एंगल का मान √3 होता है, 60 का, 10 60 का मान होता है √3 और 60 का मान मतलब π/3, ठीक है, π/3, तो माइनस में है तो पाई में से क्या घटाना होगा, थीटा, तो कौन सा थीटा है, π/3, इसको हल करो तो ये 3π - π/3, ये हो जाएगा 10 2π/3 और इधर भी हमारा क्या है, 10 थीटा है, 10 से 10 तुलना करोगे थीटा बराबर आ जाएगा 2π/3। अगर आपको डिग्री में लाना है, आपको पता है पाई की वैल्यू क्या है, 180 होती है, काटोगे और 3 6 18 0 6 2 12 120 डिग्री, डिग्री में 120 होगा, रेडियन में 2π/3 होगा, ये आपका कोण आ जाएगा, ठीक है, ये लॉजिक है। बहुत कम टीचर इस लॉजिक से क्वेश्चन कराते हैं और ये परफेक्ट तरीका है, कभी आंसर गलत नहीं होगा और ये कोई शॉर्टकट वॉर्टकट नहीं है, प्रॉपर लॉजिक का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस तरीके से करना है। अब आ जाते हैं दूसरे वाले पार्ट में,
ऐसे ही बाकी पार्ट्स भी करने हैं, तो मैं करवा दे रहा हूँ सारे पार्ट, टेंशन मत लो। सेकंड वाले पार्ट्स पे आ जाते हैं। सेकंड वाला पार्ट्स क्या है, वाई माइनस टू, ये हमें दिया है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ अपन को दे रखी है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो सबसे पहले पेज इसको हमें लंब रूप में बदलना है ना। इसकी जब तुलना करोगे, इसकी तुलना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस जीरो से करने पर, इससे जब हम करेंगे तो ए के स्थान पर क्या है, वन, सॉरी वाई का एक्स तो है ही नहीं ना, ए के स्थान पर है जीरो, और बी के स्थान पर वाई का गुणज एक, और सी के स्थान पर क्या है, माइनस के टू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब अपन को क्या करना होता है, अब अपन को करना होता है, देखो बेटा जब जब वैसे तो हमें भाग देना होता है, क्या करना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का लगा कर हमें क्या करना होता है, कर भाग देना होता है। चलो मैं करके दिखाता हूँ, ये स्टेप हर में हमेशा चलेगा, लेकिन करोगे तो फिर एक ही आएगा, ठीक है ना। एक का वर्गमूल एक होता है, और एक से भाग दोगे तो वही रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर भी लिख देता हूँ ताकि हमेशा ये स्टेप्स याद रहे, आपको ये ना लगे कि इसमें कुछ अलग मेथड लगा है। एक से भाग देने पर भाग दोगे तो फिर से वही रहेगा, वाई माइनस टू बराबर जीरो। ठीक है, जिसको मैं लिख सकता हूँ वाई बराबर टू, लिख सकता हूँ वाई बराबर टू, है ना। तो इसको और ढंग से लिख सकता हूँ, कैसे, जीरो इंटू एक्स प्लस वन इंटू वाई बराबर टू। ये किस रूप में है, इसकी जो तुलना करनी होती है हमें, इसकी तुलना करनी होती है हमें x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर p से करने पर। a के स्थान पर 0 है, b के स्थान पर 1 है, और जो लांबिक दूरी p है वो हमारे कितनी है, 2। ये सब हमसे पूछा गया था, एक आंसर तो यहीं आ गया। अब हमें कोण निकालना है, थीटा निकालना है, ठीक है, कोण निकालना है, थीटा निकालना है। उसके लिए क्या करें, देखिए अरे यार ए बी लिख दिया, ए बी तो ऊपर चाहिए था ना, यहाँ तो कॉस थीटा और साइन थीटा के मान होंगे, ये ए बी नहीं, ये कॉस थीटा है, जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में, ये बी के स्थान पर क्या है, साइन थीटा है। चलो ठीक है ना, कॉस थीटा की जगह पर जीरो है और साइन थीटा की जगह पर एक है। ठीक, अब हमें थीटा निकालना है। अब देखो बच्चा, कॉस थीटा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्वांटिटी आपको पता लग जाएगा, देखना यहाँ एक से लेके चलो, वैसे भी आंसर आ जाएगा टेन थीटा लेके चलोगे तो, क्योंकि दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव में है। अब जब जीरो आएगा तो उसे पॉजिटिव क्वांटिटी में काउंट करना है, ठीक है। तो कॉस थीटा का मान जीरो कहाँ होता है, कॉस पाई बाई टू, तो थीटा का मान कितना आ गया, पाई बाई टू। अब यहाँ पे देखो, इसको भी लेके देखो, सेम एंगल पे बात होगी, वन है ना, तो वन किसका मान होता है, साइन पाई बाई टू, थीटा का मान क्या आ गया, पाई बाई टू। पा ये तो रेडियन में आंसर है, दोनों का कॉमन है, तो थीटा कितना होगा, पाई बाई टू। पाई बाई टू का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, डिग्री में अगर आंसर लिखोगे तो। ठीक, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड में होगा, क्वेश्चन नंबर टू की तरह एकदम क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा। थर्ड पे आ जाते हैं, क्या दे रखा है बच्चा, एक्स माइनस फाइव बराबर चार, ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है। ठीक है, सो देखो बेटा, इसकी जगह हम तुलना करेंगे, हमें वैसे ए और बी चाहिए होता है ना, की तुलना, रेखा का समीकरण क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो से करने पर। हमें सी से मतलब है ही नहीं, हमें तो बस ए बी से मतलब है, ए के स्थान पर बना जाएगा, बी के स्थान पर माइनस के बना जाएगा, एक्स का गुणज वाई का गुणज। अब हमें क्या करना होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि वन का स्क्वायर
माइनस वन का स्क्वायर, हल करोगे वन प्लस वन यानी कि अंडर रूट टू। अंडर रूट टू से समीकरण एक में हमें भाग देना है, अंडर रूट टू से समीकरण एक में भाग देने पर, ठीक है भाग दे देंगे तो यहाँ से आ जाएगा, देखो बेटा x के बट्टे में अंडर रूट दो, y के बट्टे में अंडर रूट दो, ठीक है ना, और ये चार के बट्टे में अंडर रूट दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। देखो चार को मैं लिख सकता हूँ दो गुणा दो अंडर रूट दो, तो यहाँ बचेगा सिर्फ दो अंडर रूट दो, ठीक है। इसकी तुलना हमें किससे करनी होती है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर पी से करने पर। इससे तुलना कर देंगे तो देखो बेटा कॉस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा की जगह पे आ जाएगा एक बट्टे अंडर रूट दो इसका गुणज, और साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस के एक बट्टे अंडर रूट दो, ठीक है, और पी हमारा आ जाएगा दो अंडर रूट दो लाम्बिक दूरी, ठीक। अब हमें कोण निकालना है, लॉजिक लगाइए, लॉजिक कॉस की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट में होती है और चौथे में होती है, ठीक, एंड साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव थर्ड में होती है और चौथे में होती है, तो दो चीज़ कहाँ पे आ गई, चौथे, तो आपको जो आंसर लाना है वो चौथे चतुर्थांश में लाना है, ठीक है। लॉजिक क्या लगेगा, टेन थीटा, भाई साहब टेन थीटा लगाना है, ठीक है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, लॉजिक आपको पता चल चुका है, नेगेटिव में आ जाएगा माइनस के ये और प्लस का ये कटेगा तो माइनस का एक आ जाएगा, ऊपर से सेम कट के माइनस एक आ गया। एक किसकी वैल्यू होती है, एक वैल्यू होती है टेन पाई बाई फोर की, है ना, यानी कि थीटा हमारे पास क्या है पाई बाई फोर। अगर आपको कोई चीज़ चौथे चतुर्थांश में लानी है तो उसमें टू पाई में से थीटा घटाना पड़ता है, ठीक है, टू पाई में से थीटा क्या करना घटाना पड़ता है, ठीक है, तो टेन टू पाई थीटा हमारे पास क्या है पाई बाई फोर, ये घटाना पड़ेगा। हल करते हैं, चार दुनी आठ पाई माइनस पाई बट्टे चार, तो यह आ जाएगा टेन सेवन पाई बाई फोर, इधर भी टेन थीटा है ना, ये टेन थीटा चला आ रहा है, तुलना करोगे थीटा आपके पास आ जाएगा सेवन पाई बाई फोर आंसर रेडियन में। अगर आप इसको बदलना चाहते हैं डिग्री में तो बदल दीजिए, सेवन पाई का मान 180 बट्टे में कितना है फोर, काटो इससे, चार चौके 16, चार पंजे 20, ठीक है, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, सात पंजे 35, सात चौके 28, 28 और 3 31, 315 डिग्री, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया, एकदम मक्खन की तरह समझाया मैंने हर एक क्वेश्चन को, ठीक है, ताकि आपका प्रॉपर लॉजिक भी लगा पाओ, प्रॉपर कॉन्सेप्ट बने और क्वेश्चन भी आपके मक्खन की तरह हो जाए, सारे पार्ट्स मैंने करा दिए, ठीक है। अब बाकी टीचर क्या बताएं मुझे नहीं पता, आप देखिएगा मैंने कैसे पढ़ाया और उन्होंने कैसे पढ़ाया, सबका अपना टेक्निक होता है, सभी बेस्ट समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बट कोई डिफ़िकल्ट रास्ता चुनता है तो कोई ईजी रास्ता, अब आपको कौन सा अच्छा लगता है वो आपकी मर्जी है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है, कह रहे बिंदु -1,1 की रेखा, इस रेखा से हमें क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। भाई साहब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो टॉपिक आप बोल रहे थे ना, इस दो बिंदु ये वाला जो टॉपिक था, एक बिंदु से रेखा की दूरी, इस टॉपिक पर आधारित क्वेश्चन है ये चौथा, देखिए कैसे होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। देखो हमारे पास
रेखा, ये हमारी रेखा है, ठीक है, ये हमारी रेखा हमें क्या दे रखी है क्वेश्चन में, इसको सरल करना पड़ेगा। आई थिंक दिया है रेखा, रेखा जो हमें दे रखी है क्वेश्चन में वो दे रखा है हमें क्या है, 12x+6 बराबर में है इधर 5y-2, ठीक है। और जो दो पॉइंट हमारे पास है, बिंदु, बिंदु हमें दे रखा है क्वेश्चन में कितना, -k1,1, इस बिंदु से, इस बिंदु से रेखा की दूरी कितनी होगी d, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहला चीज़ आप देख रहे हैं, ये जो रेखा हमें, ये जो रेखा है ना बेटा, इस ठीक रूप से लिखा नहीं है, इसको सरल करना पड़ेगा। 12x, 12×5=72, 5y, 5×2=10, ठीक है। सब कुछ उठा के इधर लाना होता है, 12x प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, माइनस का इधर के प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 82। ये है प्रॉपर हमारी रेखा। अब हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है, ठीक है। सो देखो दूरी कैसे हो जाएगी, दूरी d, देखो मॉडुलस में लगाते हैं क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं आती, अगर माइनस का हल करके आ भी रहा है तो लिखेंगे प्लस का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 12, देखो बिंदु 12 पहले x लिख दो, -k y+k 82 बट्टे में, अंडर रूट लगाना है, x का जो गुणज होगा वो बट्टे में आएगा स्क्वायर, y का गुणज -5 स्क्वायर, ठीक है। बिंदु, बिंदु हमारा क्या है, -1,1, यानी कि ये x की जगह पर रखना है और ये y की जगह पर, ठीक है। तो 12 -1 = 82, 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, तो -k 12 -k 5 -k 17, ठीक है। और 82 में से 17 घटा दोगे तो आ जाएगा 65, और ये आ जाएगा √169, ठीक है। तो 65 और ये आता 13, इसका वर्गमूल 13×65, तो जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 5 होगी, 5 मात्रक लिख दो, ये आपका आंसर आ जाएगा, इतना आसान है, ठीक है। कहीं पे भी कोई डाउट या दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ये क्वेश्चन भी हो गया, आपको पढ़ा भी रहा हूँ, मेरे पेट में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ना, मैं पता नहीं क्या बताऊँ, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, अभी 2 क्वेश्चन पढ़ाने के बाद जाऊँगा डॉक्टर दिखाने। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कह रहे हैं x अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिनकी रेखा से जो दूरियां हैं वो 4 इकाई हैं, इस रेखा से जो दूरी दे रखी है वो 4 इकाई दे रखी है, x अक्ष पर हमें ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं, माना x अक्ष के लिए y निर्देशांक 0 होता है, ठीक है। माना x अक्ष पर स्थित बिंदु, स्थित बिंदु P,0 है, x के लिए मैंने P मार दी निर्देशांक, y के लिए 0 हो जाता है, x अक्ष के लिए y निर्देशांक 0 होता है, ठीक है। ये बिंदु है और ये P का मान आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में ये बोल रखा है, रेखा, रेखा क्या दे रखी है हमें, एक्स के बट्टे में 3, वाई के बट्टे में 4=1, ठीक है। इसकी जो दूरी है, दूरी दे रखी है, दूरी दे रखी है 4 मात्रक, ठीक है, डी हमें दिया हुआ है, और ये बिंदु है, तो ये बिंदु हमें निकालना भी है, ठीक है। अतः दूरी ये एक्स बट्टे में 3 प्लस वाई बट्टे में 4, प्लस का इधर आ जाके माइनस का हो जाएगा, अंडर रूट एक्स का गुणज का 1/3, 1/3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस वाई का गुणज 1/4 है, 1/4 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। और ये लगता है मॉड के अंदर,
ठीक है, दूरी हमें दे रखा है चार, यहाँ रख दिया चार। ठीक है, अब बिंदु हमारे पास क्या है, पी कोमा चार है, पी कोमा जीरो है, इस बिंदु से करना पड़ेगा ना। बिंदु हमारे पास क्या है, पी कोमा जीरो है, यानी कि ये एक्स की जगह पर आएगा और ये वाई की जगह पर। एक्स की जगह पर पी रखेंगे तो ये हो जाएगा पी बट्टे में तीन, वाई की जगह पर ज़ीरो रखो, ज़ीरो बट्टे चार, एक तीन का वर्ग नौ, एक चार का वर्ग सोलह, एक का वर्ग एक होता है ना। सो यहाँ से आ जाएगा आपको पी बट्टे तीन माइनस एक, तो बट्टे में तीन आ जाएगा, पी तीन एकम तीन, हल भी कर दिया। अब इधर लॉसोपा ले लो, ठीक है, नौ और सोलह, ठीक है, इसका लॉसोपा ले लेते हैं, हल करते हैं। सोलह नंबर एक सौ चौवालीस, सोलह एकम सोलह, नौ एकम नौ, मॉडुलस के अंदर ये पी बट्टे इतना, ये आ जाएगा अंडर रूट में पच्चीस बट्टे एक सौ चौवालीस। इसको और हल करोगे, पच्चीस का वर्गमूल पाँच, एक सौ चौवालीस का बारह, प्लस माइनस में ठीक हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए क्या करना है, एक बार प्लस में लेना पड़ेगा और एक बार माइनस में, इधर तो चार है, ठीक है। सो देखो बच्चों, प्लस साइन लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो ये फोर हो गया, यहाँ से पी माइनस थ्री, यहाँ से आ जाएगा ये बारह, तीन कम तीन, तीन चौके बारह, इसकी गुणा इसके साथ होती है, भगा इसकी गुणा इसके साथ, पाँच एकम पाँच, चार एकम चार, ठीक है, इधर आ जाएगा पाँच, और यहाँ बचा पी माइनस तीन, माइनस का तीन इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का तीन, तो पी का मान आ जाएगा एट पहले केस में, इसलिए बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु हमारे पास था पी कोमा जीरो, यानी कि आठ कोमा जीरो, एक आंसर तो ये आ गया प्लस चिन्ह लेने पर। अब हमें लेना है यहाँ पर माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है, सब कुछ वही रहेगा बट माइनस का आ जाएगा, तीन कम तीन, तीन चौके बारह, इसके गुणा इसके साथ, और पाँच एक कम पाँच, चार एकम चार, यहाँ पे पाँच आ गया, माइनस का पी प्लस का तीन, पी इधर आ गया, पाँच प्लस का था इधर आ गया, माइनस का हो गया, तो पी की वैल्यू आ गई माइनस के टू, इसलिए बिंदु क्या हो जाएगा, माइनस टू कोमा जीरो, ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। तो दो आंसर आएंगे, एक तो आठ कोमा जीरो होगा या फिर दूसरा माइनस टू कोमा जीरो होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, अगले प्रश्न पे आ जाओ, ठीक है, कह रहे समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, जो टॉपिक था ना समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, देखो एक समांतर रेखा ये है, दूसरी समांतर रेखा ये है, यहाँ पे पंद्रह है, यहाँ पे पंद्रह है, यहाँ आठ है, यहाँ पे आठ, ये दो चीज़ समान होगी, ठीक है, अंतर सिर्फ इसका होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले वाला तो इजी है, सेकंड वाला थोड़ा सा हटके है, वो भी इजी है, तो सारे करेंगे, टेंशन मत लो। सिक्स का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, समांतर रेखा, कभी कभी बोलेगा, अगर नहीं बोलेगा तो पहचानने की जो ट्रिक है वो मैंने बता दी है, दिया है समांतर रेखा में क्या क्या दे रखा है बेटा, पहले वाले में आ जाऊँ, दिया है पंद्रह एक्स प्लस आठ वाई माइनस के चौंतीस बराबर ज़ीरो, और दूसरा जो हमें दे रखा है वो भी है पंद्रह एक्स प्लस आठ वाई प्लस के इकतीस बराबर ज़ीरो। यहाँ सी वन है माइनस के चौंतीस, सी टू है इकतीस, ठीक है, और जो ए है वो पंद्रह है, और जो बी है वो आठ है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब हमें निकालना है अतः
समांतर रेखाओं की बीच की दूरी। ठीक है, जो दो समांतर रेखाएं हैं ना, ये पहली वाली और दूसरी वाली, इनके बीच की हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है, डी। ठीक है, ये पहली रेखा है, ये दूसरी रेखा, एल टू। तो सूत्र क्या होता है, ठीक है, सूत्र निकालना है आपको। देखिए ये आपका सूत्र था, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या था, सिंपल, सी वन माइनस सी टू बट्टे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसी से करेंगे, सिंपल है, तो ये आ जाएगा सी वन माइनस के सी टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉडुलस में, क्योंकि अगर नेगेटिव में आए तो लिखना आंसर प्लस में है। तो सी वन कितना है हमारे पास, 31, सी टू हमारे पास है माइनस के 34, ए स्क्वायर 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 34 और 31 ये हो जाएगा 65, 15 का वर्ग 225, 8 8 64, तो ये हो जाएगा 289, 65 ये होता है 17। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 65/17 मात्रक। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बिल्कुल नहीं होगी, आराम से हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ जाओ। सेकेंड वाला पार्ट देखिए, यहाँ पर क्या है, एल एक्स एल वाई। तो सिंपल तरीके से ही करेंगे जो हमें सूत्र पता है। तो यहाँ पर एक्चुअली सी वन पी है और यहाँ सी टू की जगह पर माइनस के आर है, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। या फिर इसको खोल के लिख लो ना, सेकेंड वाले पार्ट में आ जाते हैं। सेकेंड वाला पार्ट हमारा क्या है बेटा, दिया है दोनों समांतर रेखाएं, क्या दे रखा है, पहले वाला अगर ध्यान से देखो, एल एक्स प्लस वाई प्लस पी बराबर जीरो, इसको ढंग से लिखते हैं, एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी, ये पहला समीकरण है। दूसरा में दे रखा है एल एक्स प्लस एल वाई और यहाँ दे रखा है आर माइनस के, तो इसको ढंग से लिखेंगे, एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ यहाँ हमारे पास क्या है बच्चों, देखो सी वन की जगह पर पी है एंड सी टू की जगह पर माइनस के आर है। ठीक है, और ए की जगह पर एक्स का गुणज एल है और बी की जगह पर भी वाई का गुणज एल है, सिंपल। अतः दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ये निकालना है। इसका सूत्र क्या होता है, सी वन माइनस सी टू बट्टे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, लगा दीजिए, सी वन पी सी टू माइनस के आर एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी प्लस आर अंडर रूट का 2L स्क्वायर, तो ये आ जाएगा पी प्लस आर एल स्क्वायर बाहर के एल होगा और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 2 मात्रक। ठीक है, यहीं पे छोड़ दो, आराम से बन गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक, इजीली बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहे हैं, रेखा, ये रेखा है, इसके समांतर बिंदु -2.3 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लॉजिक देखिए। हाँ, सातवां क्वेश्चन देखो, हमें जो रेखा दे रखी है, ये हमारी रेखा, सपोज करो रेखा हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है बच्चा, 3x-4y+2 ये दे रखा है हमें रेखा, इसके समांतर और एक रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इस रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है,
जो कि बिंदु, किस बिंदु से जाती है वो हमें दे रखा है। बिंदु किससे जाती है? -2,3 से जाती है। अब इसके समांतर बोला है, समांतर बोला तो इसका जो ढाल होगा और इसका जो ढाल होगा वो बिल्कुल सेम टू सेम होगा, सेम टू सेम होगा, है ना, क्योंकि ढाल अगर इधर उधर होगी तो समांतर होगा ही नहीं। अब हमें बिंदु पता है और अगर हमें ढाल भी मिल जाए तो रेखा का समीकरण तो हम आराम से निकाल देंगे। हमें बिंदु पता है और ढाल पता है तो रेखा का समीकरण तो आराम से हो जाएगा, सूत्र पता है हमें, तो लॉजिक पता लग गया। क्वेश्चन पढ़ के हम समझ चुके हैं कि हमें क्या करना है। तो देखिए सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। दिया है, दिया उल्टा लिख दिया, दिया है, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण हमें दे रखा है 3x-k4y+k2=0। इसलिए ढाल आपको निकालना है, सब कुछ इस तरह है ना। तो ढाल का सूत्र क्या होता है? ढाल m बराबर, ठीक है, माइनस x का गुणांक बट्टे y का गुणज, गुणज, ठीक है, ये बड़ा होगा आपने। x का गुणज है -k3, y का गुणज है -k4, तो m का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 3/4, ठीक है, m का मान आ गया 3/4, ठीक है। अतः ढाल 3/4 व बिंदु -2,3 से जाने वाली रेखा का समीकरण हमें निकालना है, ठीक है, जिसका सूत्र रेखा का समीकरण क्या होता है? y-y1 m x-x1, रेखा का समीकरण का सूत्र, ठीक है, यही होता है। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है और ये आपका m है। सूत्र में रख दीजिए और हल कर लीजिए। y1 कितना है? 3, m का मान है 3/4, x1 का मान है -k2। हल कर लेते हैं, 4 × 4 = 4y 3 x -3 × 6 3x + 6 + 4y इधर के -k इधर के +k 3x-k 4y 12 और 6 18, तो ये आपका आंसर आ जाएगा जो आपसे पूछा गया था। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आठवां क्वेश्चन। कह रहे रेखा, ये हमें रेखा दे रखी है और इस रेखा पर लंब, लंब और एक्स जो अंतःखंड 3 वाली रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। अच्छा जी, ओके, इस क्वेश्चन को मैं दो तरीकों से कर सकता हूँ, ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को मैं दो तरीकों से कर सकता हूँ। पहले समझो क्या लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर ये 8 है, हमें क्या बोला है? हमारे पास बोला गया रेखा दिया है, रेखा का समीकरण हमें क्या दे रखा है? x-k7y+ ये हमें रेखा दे रखी है, ठीक है। रेखा पर लंब, ये रेखा है और इस पर ये लंब है, ठीक है। रेखा पर लंब और x अंतःखंड 3 है, x अंतःखंड कितना है? 3 है, वाली रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। x अंतःखंड 3 है, x अंतःखंड के लिए y 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उस रेखा का हमें क्या ज्ञात करना है? समीकरण ज्ञात करना है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है? समीकरण ज्ञात करना है। सो आप समझ पा रहे हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये जो दिया है, ये रेखा आपको दे रखी है, ये वाली रेखा जो कि है x-k7y+5, इस रेखा का ढाल आपको निकालना है m। सूत्र क्या होता है? -x का गुणज / y का गुणज, तो m का मान क्या आ जाएगा? 1/7। ये लिखना पड़ेगा बेटा क्या दोबारा? सूत्र तो अभी मैंने लिखाया था ना, क्या होता है सूत्र ढाल निकालने का?
एक्स का गुणज माइनस का बट्टे वाई का गुणज, ठीक है, ये हो गया, ये इस रेखा की ढाल आ गई। मानो एम वन हमें कितना मिल गया, 1/7। देखो हमें बिंदु पता है, हमें बिंदु पता है, बस इस रेखा का क्या मिल जाए, ढाल। इस रेखा, ये जो रेखा है इस रेखा पर लंब है, लंबवत है, तो अगर इस रेखा की ढाल एम टू हुई तो एम वन गुणा एम टू का गुणनफल क्या होगा, माइनस की वन होगा, ये हमने पहले पढ़ा है, ठीक है ना। तो वही चीज़ लिखना है, चूंकि रेखा जो दूसरी में दे रखी है एक्स माइनस सात वाई प्लस पाँच बराबर जीरो पर लंब, लंब रेखा की ढाल एम टू है, ये आप मान के चलो, इसलिए एम वन गुणा एम टू, ये आपका एम वन हो जाएगा, माइनस एक होगा, लंबवत है। एम वन हमें दे रखा है 1/7, यहाँ गुणा एम टू कर दूँ, या माइनस के 1/1, तो एम टू का मान आपका आ जाएगा 7 × 7, माइनस के 7, ठीक है, माइनस 7 आ जाएगा। अतः ढाल माइनस 7 व बिंदु 3,0 पर से जाने वाली रेखा का समीकरण। सूत्र क्या होता है, वाई माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, यही होता है सूत्र। ये आपका एम है, ये आपका एक्स वन है, ये आपका वाई वन है। ठीक है, तो ये वाई बराबर आज का माइनस के 7x, 7 × 21 इधर आ जाएगा, 7x, ये आपका आ जाएगा आंसर। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ये विधि तो मैंने आपको बता दी, आ गया होगा, ठीक है। प्रॉपर पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझाया है, थोड़ा लंबा हो गया लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट है इसमें, कैसे क्यों कैसे। अब एक दूसरा विधि भी है इसका, शॉर्टकट वाला, आप इसे शॉर्टकट बोल सकते हैं, लेकिन ये वैकल्पिक विधि बोला जाता है, तो वैकल्पिक विधि तो शॉर्टकट में ही आ जाती है, तो वो क्या है, तो ये सेकंड मेथड है इसका, इस क्वेश्चन को करने का। देखो रेखा में क्या दे रखी है, रेखा मुझे दे रखी है एक्स माइनस के 7y प्लस 5 बराबर 0, ये हमें दे रखी है। इस पर लंब रेखा का व्यापक समीकरण, लंब रेखा का समीकरण में निकालना ना, तो वो क्या हो जाएगा, देखो देखो ये क्या हो जाता है शॉर्टकट ट्रिक, ये जो वाई का गुणज है ना एक्स के साथ चला जाता है पॉजिटिव में, 7x, और एक्स का गुणज जो वाई के साथ आ जाता है, प्लस में ही लगाना होता है, तो एक्स का गुणज वाई है तो वाई, ठीक है। और इस तरफ हमें लिखना होता है लैम्डा, और इस लैम्डा का मान अभी हमें ज्ञात कर देना है, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इस लैम्डा का मान ज्ञात करके यहाँ रखो, आंसर आ जाएगा, इतना शॉर्टकट है। क्वेश्चन में दे रखा है, चूंकि एक्स अंताखंड 3 पर काटती है, यानी कि बिंदु क्या हो जाएगा 3,0, अब ये बिंदु इससे होते हुए जाएगी, ठीक है, चूंकि 3,0 समीकरण ए से होकर जाती है, इसलिए एक्स की जगह पे 3 रखना है और वाई की जगह पे 0, तो लैम्डा का मान आ गया 21। अब लैम्डा का मान 21 उठाकर यहाँ रख दो, आपको का आंसर मिल जाएगा। उस आंसर में और इस आंसर में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, ये आपका आंसर है, इसमें भी वही आंसर है, नेगेटिव को उधर के लिए प्लस कर दो, कोई डिफरेंस है आंसर में, बिल्कुल नहीं है, ये भी वही आंसर है, ये भी वही आंसर है, आराम से हो गया। तो ये पार्ट वन है बेटा, मेरा पेट बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं,
मैं पहले थोड़ा डॉक्टर वॉक्टर दिखा के आता हूँ, उसके बाद इसका पार्ट टू शूट करता हूँ।